शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रभु, सर कुलिक ने क्या निर्णय लिया था? तुलसी, जब प्रतिशोध की भावना प्रबल हो तो मनुष्य हो या सर्प, दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता। धर्म और अधर्म को भूल जाते हैं और वही निर्णय करते हैं जिससे उनका प्रतिशोध पूरा हो सके। समय नहीं है मेरे पास। बोलो, तुमने क्या निर्णय लिया? क्या तुम देवताओं से अपने कुल, अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेना चाहते हो कि नहीं? असुर गुरु, क्या करना होगा इसके लिए मुझे? पूर्ण समर्पण करना होगा, विश्वास करना होगा, त्याग जीवन का, समर्पण स्वयं का और विश्वास मुझ पर। तुम्हें मुझ पर विश्वास करके तुम अपनी इच्छा से अपने शरीर को दो भागों में बांटना होगा। अर्थात मेरे जीवन की रक्षा करके अब आप ही स्वयं मेरा अंत करना चाहते हैं? अंत नहीं कुलिक, तुम्हें अमर बनाना चाहता हूं ताकि अनंत काल तक तुम देवों से अपना प्रतिशोध ले सको। यदि ये बात है तो मैं अपना जीवन देकर भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूं गुरुदेव। और तब असुर गुरु शुक्राचार्य उस सर्प को अपने आश्रम लेकर आए जहां स्वर्भानु का खंडित शरीर अपने आधार की प्रतीक्षा कर रहा था। गुरुदेव, कौन है ये? ये है असुरों के सेनापति स्वर्भानु। अमृत पान करने का दंड दिया है देवताओं ने इन्हें। स्वर्भानु का अपना शरीर देकर तुम भी अमर हो जाओगे कुलिक। क्या तुम अमर होने के लिए अपने शरीर का बलिदान करने के लिए तैयार हो? गुरुदेव, इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। ब्रह्मदेव, मैंने स्वर्भानु को जीवित करने का मार्ग ढूंढ लिया। ब्रह्मदेव, दर्शन दीजिए। ब्रह्मदेव, दर्शन दीजिए। तुलसी, उस दिन संसार में ऐसी घटना घटने वाली थी जो युगों तक इस संपूर्ण संसार, मनुष्य और यहाँ तक देवों के लिए भी संकटकारी थी। उस दिन एक ऐसे कार्य की नींव पड़ने वाली थी जिससे ये मानवता युगों तक मुक्त नहीं होने वाले थे, क्योंकि उस दिन निर्मित होने वाले थे राहु और केतु। शुक्राचार्य, आप इतने ज्ञानी होकर भी ये अधर्म करना चाहते हैं तो ठीक है, किंतु आपको अपने हाथों से कुलिक का सर विच्छेद करना होगा। परमपिता ब्रह्मदेव, मैं असुरों की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। कुलिक, तुम अपने मन से भय को त्याग दो, क्योंकि आज तुम अमर होने वाले हो। संसार में तुम देवताओं के समान स्थापित होने वाले हो। हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव, कीजिए अपनी रचना और कीजिए नया विधान और दीजिए स्वर्भानु और कुलिक को अमरता का जीवन। स-
स्वर भानु, आज से तुम समस्त संसार में राहु और केतु के नाम से जाने जाओगे। तुम्हारा शीश राहु और धड़ केतु कहलाएगा। तुलसी, उस दिन एक असुर को एक विषधर का साथ मिल गया था, दो संकट जुड़कर महासंकट बन गए, तो अनर्थ एक साथ आकर महाअनर्थ बन गए थे। ब्रह्मदेव, आपने राहु और केतु को अमर तो बना दिया, किंतु देवता इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, देवलोक में इन्हें स्थान नहीं देंगे, इसलिए अब आप ही इन्हें उचित स्थान दे सकते हैं परमपिता ब्रह्मदेव। राहु और केतु, मैं तुम्हें अपना पार्षद नियुक्त करता हूं, ब्रह्मलोक में स्थान देता हूं। तुम्हारी प्रवृत्ति आसुरी है, इसलिए आज से संसार में जो भी अधर्म करेगा उनको दंड देने का अधिकार तुम्हारा होगा। उन लोगों पर अपनी महादशा चलाकर उन्हें धर्म के मार्ग पर लाना तुम्हारा उद्देश्य होगा, और इसी से तुम्हें देवता ना होते हुए भी देवताओं के समान स्थान प्राप्त होगा। गुरुदेव, आपके कारण मैं इस संसार में अमर हो गया। ब्रह्मदेव, आपके कारण मुझे देवों के समान अधिकार प्राप्त हो गए। मैं आप दोनों का बहुत आभारी हूं। आप दोनों को मेरा कोटि कोटि नमन। तुलसी, जिस दिन से राहु को अपने जीवन का आधार मिला, उद्देश्य मिला, उसी दिन से राहु के भीतर का असुर जाग उठा। देव कृपा से ही वो अमर हुआ था, देव कृपा से ही वो राहु बना था, पर उसने देवों को ही अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। मैं इसीलिए तो अमृत पीना चाहता था, ताकि अमरता प्राप्त करने के बाद देवों से अपना प्रतिशोध ले सकूं। विष्णु ने तो मेरा सिर काट दिया था, परंतु अब अमरता प्राप्त करने के साथ साथ मैंने देवों की शक्ति भी प्राप्त कर ली है। अब लूंगा मैं उस नारायण से अपना प्रतिशोध, अब भक्षण करूंगा मैं उस सूर्य और चंद्रमा का, जिन्होंने मुझे अमृत पान करने से रोका था। राहु, एक बात स्मरण रखना, ये जो सर्प का आधार मैंने तुम्हें दिया है, यदि ये अपनी इच्छा से सर्प तुमसे अलग होना चाहे तो हो सकता है, किंतु जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए भूल से भी ऐसा कोई कर्म मत करना, ऐसा अधर्म मत करना जिससे कुलिक तुमसे भिन्न हो जाए, और यदि ऐसा हो गया तो संसार में ना राहु का अस्तित्व रहेगा ना केतु का। परमपिता, अब राहु अमर है और सदा अमर रहेगा। अब राहु का अंत नहीं, बल्कि भक्ति और धर्म का अंत होगा इस संसार से, और अंत होगा उस नारायण का जो इस संसार में हम असुरों का शत्रु है, और यही मेरा उद्देश्य होगा। यही कथा थी उस स्वर भानु के राहु बनने की। उस दिन से आज तक बिना कारण भी लोगों को कष्ट देता है, और वो इतना मारक हो जाता है कि लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। प्रभु, तो क्या जो आवाज हमें सुनाई देती है वो राहु की है? नहीं तुलसी, वो बाणासुर का स्वर है। बाणासुर? क्या बाणासुर की हत्या हमारे हाथों सच में हुई है? नहीं तुलसी, बाणासुर का वध तुम्हारे पूर्व जन्म के रूप भद्रा द्वारा हुआ था, पर राहु तुम्हारे मन मस्तिष्क पर ये भ्रम डालने का प्रयास कर रहा है
कि तुमने बाणासुर का वध किया था। पर प्रभु, इससे राहु का क्या लाभ? तुलसी, राहु तभी किसी को दंड दे सकता है जब उसने या तो कोई सच में पाप किया हो या उसके मन में पाप का बोध हो। इसलिए राहु तुम्हारे मन में पाप का भाव उपजाना चाहता है ताकि वो तुम पर प्रभाव डाल सके, ताकि वो अपनी इच्छा अनुसार तुम्हें दंड दे सके। प्रभु, राहु चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, पर वो हमें हमारी भक्ति, हमारी आस्था, हमारे विश्वास से डिगा नहीं सकता, किसी भी स्थिति में नहीं। तुलसी, मैं बस ये कामना करूंगा कि तुम्हारे विश्वास की जीत हो। संसार को भ्रमित करने वाले राहु, अब तुम तुलसी को भ्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि हम तुम्हारा सत्य जान चुके, तुम्हारे आधार को जान चुके। पर स्मरण रखना, हमारा आधार भक्ति है, विश्वास है, और जिसका आधार इतना मजबूत हो उसे कोई नींव नहीं हिला सकती, राहु भी नहीं। देखा, देखा राहु, उस छलिए लड्डू गोपाल को, कैसे ये छलिया विष्णु उस तुलसी को तुम्हारे सारे पाप कर्मों के बारे में बता रहा है, किंतु वो ये नहीं बता रहा है कि कैसे उसने छल करके मेरे भाई बाणासुर का वध किया था। इतना युगो युगो से देव यही तो करते आए हैं, संसार में स्वयं के पुण्य गिनाते आए हैं और पाप हमारे भाग्य में जोड़ देते हैं। पर अब तुम क्या करोगे राहु? मैंने कहा था ना तुमसे कि वो छलिया लड्डू गोपाल तुम्हारी महादशा को एक क्षण में तोड़ देगा। देखा उस तुलसी को, देखो अब ना उसके मन में कोई भय है और ना ही कोई भ्रम। देखो उसकी चेहरे की मुस्कान। माँ, हम ठीक ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे जो भी भ्रम थे वो दूर हो गए। हमें पता चल गया कि जो भ्रम हमें हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे और वो किसका प्रभाव था। और कौन था वो जो तुम्हारे साथ ये अधर्म कर रहा था? तुलसी, मुझे बताओ, उसे तो मैं बताऊंगी, वो भी अच्छी तरह से। माँ, कोई आदमी नहीं है, ग्रह है। राहु, राहु, राहु की महादशा चल रही है हमारे ऊपर। राहु का प्रकोप? हरे रामा हरे कृष्णा, राहु की दशा तो बहुत मारक होती है, एक दो दिन के लिए नहीं, पूरे 18 साल तक रहती है राहु की महादशा। और उसमें इंसान पागल भी हो जाता है सुमित्रा दीदी। मौसी, राहु की महादशा उन्हीं के लिए मारक होती है जिन्होंने जीवन में कभी पाप किया। पर यदि किसी ने ना पाप किए हो ना पाप करने के बारे में सोचा हो, उनके जीवन में राहु अधिक समय तक नहीं टिक सकता। तुलसी, तुम राहु के बारे में अभी नहीं जानती, एक बार यदि राहु कुंडली में घुस गया तो पूरा जीवन नरक कर देता है। मौसी, राहु केवल कर्मों का दंड दे सकता है, यदि आपने कोई ऐसे कर्म किए ही नहीं तो राहु आपका कुछ हित नहीं कर सकता। सुमित्रा दीदी, तुलसी राहु की दशा को बहुत साधारण ले रही है, लेकिन मैं तुम्हें कह देती हूँ कि तुम इसे साधारण दशा में मत लेना। बड़े बड़े देवताओं को भी दोष लगा है राहु का। तो तुम ही बताओ कीर्तन, हम क्या करें? वो, हाँ, मैं ओझा जी के पास जाती हूँ, वही कोई उपाय बता सकते हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुलसी, तुम्हें अपनी चिंता तो है नहीं, पर हमें तो तुम्हारी चिंता है ना, बस हम यूं गए और यूं आए, हम आते। माँ, अब आप मौसी की बातों से चिंतित मत हो जाइएगा, वो तो यूं ही बात का पतंगड़ बनाती है। नहीं तुलसी, राहु तो सूर्य और चंद्रमा पर भी ग्रहण लगा देता है। हम पर नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हमारे साथ लड्डू गोपाल है। तुलसी के भक्ति के सम्मुख तुम्हारी महादशा भी निष्फल हो गई है।
अब तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा राहू कि जिससे इस तुलसी को ना कोई भगवान बचा सके और ना ही उसकी भक्ति। उतना इस समय मैं तुलसी की कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हूं, और जब राहु किसी की कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान होता है तब बनता है कर्कोटक काल सर्प दोष। कर्कोटक काल सर्प दोष, ये तो मारक दोष है, इसमें तो जातक की मृत्यु निश्चित है राहु। सही कहा पूतना, जब इस कर्कोटक काल सर्प दोष के प्रभाव से देव ऋषि नारद और चक्रवर्ती सम्राट नल भी नहीं बच पाए तो फिर तुलसी क्या बचेगी। तो देर किस बात की राहु, पुकारो अपने काल सर्प को। हे मेरे कर्कोटक सर्प, प्रकट हो। प्रकट हो कर्कोटक सर्प, राहु को तुम्हारी आवश्यकता है। छीन लेगा प्राण शक्ति, छीन लेगा चेतना, विष से भी विनाशकारी वेदता है। हे कर्कोटक सर्प, संसार में जाओ और उस क्षण की प्रतीक्षा करो जब तुलसी तुम्हारे स्वयं समीप आएगी और तुम्हारे विष का दंश ग्रहण करेगी। किंतु राहु, तुलसी उस सर्प के समीप जाएगी कैसे? उतना जब राहु का काल सर्प दोष किसी के जीवन में आरंभ होता है तो फिर वो वही करता है जो राहु चाहता है। अब देवता भी तुलसी की रक्षा नहीं कर सकते, अब लड्डू गोपाल भी तुलसी को मेरे काल सर्प योग के दंश से नहीं बचा सकते। तुलसी, मैंने सुना है कि राहु जब किसी पर पाप दृष्टि डालता है तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ता, इसलिए आज के बाद मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, तेरे साथ ही रहूंगी। पर माँ, अभी हम सोने जा रहे हैं। मैं सोते समय भी तेरे साथ में रहूंगी, क्या पता तुझे कब मेरी जरूरत पड़ जाए। सुमित्रा दीदी, क्या हुआ? आप हमेशा तो तुलसी के साथ नहीं रह सकती ना, इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ। ये क्या है? राहु रक्षा सूत्र, इससे तुलसी पर राहु की बुरी दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौसी, हमारे पास हमारा राहु रक्षा सूत्र है, हमारे लड्डू गोपाल की भक्ति। तुलसी, अपने लिए ना सही पर मेरे लिए ये रक्षा सूत्र पहन ले। पर माँ, हम ठीक है, यदि आपकी खुशी इसी में है तो हम खुशी खुशी से पहन लेंगे, पहनाइए। तुलसी, कब तक सोओगी?
नींद से जागो, क्योंकि अब राहु का कर्कोटक काल सर्प दोष तुम्हें डसने वाला है। तुलसी, अब तुम्हें राहु के प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसके भ्रम जाल तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तुलसी, तुमने लड्डू गोपाल के कहने पर बाणासुर का वध किया था, तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। तुलसी, जाओ करो अपने पापों का प्रायश्चित, भुगतो अपने कर्मों का दंड, जाओ। हमें अपने पाप का प्रायश्चित करना ही होगा, अपने कर्म, अपने वध कर्म का दंड भुगतना ही होगा। हमने अधर्म किया है, पाप किया है हमने, वध किया है हमने, हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना ही होगा। हमने पाप किया है, हमने अधर्म किया है, हमें अपने कर्मों का दंड भुगतना होगा। हम पापी हैं। धर्म, भक्ति, कर्म, इन सबसे बड़ा है राहु का कर्कोटक काल सर्प दोष। इससे ना कभी कोई बचा है और ना ही कभी बचेगा। तुम पर राहु का कर्कोटक काल सर्पदोष आरंभ हो चुका है। कर्कोटक सर्पदंश को दूर करने का कोई मार्ग नहीं है। तुम्हें महादेव के गण, महादेव के स्वरूप कीर्ति मुक्ति जगाना होगा। हर कैसे? दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।